ऐसे होता है ना, तरीकत में ऐसे वाक्यात बहुत हैं, हाल में हुए हैं, मुस्तकबल में हुए हैं, माजी में हुए हैं, ये तो होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का किस्मत वाले को लगते तो सारे हैं, लेकिन दिल किस्मत वाला आका जी को देता, जो दिल देता है फिर सारे काम वही करते जो आका जी चाहे, न जमाने को देखता है, न दोस्त को देखता है, न मफाद को देखता, इस चीज़ को नहीं देता, किस्मत है। जो देखो पिया पिया को, जो देखो पिया पिया को, तो करो पिया पिया ही तो करो पिया। लेकिन इसका फल तो उसका जमीन आसमान, जो सुनता कहता है पिया ये भी कहता है, लेकिन जो देख के कहता है जो देख के वो क्या करे बताओ, दोनों अपनी जगह, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। आका को सब देखते थे, लेकिन अबू बकर का, सारे सहाबा का, जमीन आसमान का फर्क था। आपने कहा सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान, अबू बकर जो पिया पिया कहते थे वो और तरफ, दूसरे भी कहते थे, लेकिन जैसे वो देखते थे ऐसे औरों ने नहीं देखा। हाँ, उसकी उनके वाक्यात भी ऐसे ही हैं, और वाक्यात के अलावा जब आका जी ने कह दिया सारी उम्मत की ईमान एक तरफ, ईमान मोहब्बत को कहते हैं, आका ने तशरीह किया,
अला ईमान अला मोहब्बत अला, उसमें ईमान नहीं है जिसमें मोहब्बत नहीं है, ये आका जी ने कहा। तो आपने कहा सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, अबू बकर का एक तरफ। क्या मतलब? सारी उम्मत की मोहब्बत इकट्ठी एक तरफ, इस अकेले की मोहब्बत मेरे साथ है। देखने वाले भी सब देख नहीं है, सुनने वाले भी सब देख नहीं है। अल्लाह ताला अबू बकर जैसी मोहब्बत है, अबू बकर को आगे और दे दे। हाँ तो ये हसद है, लेकिन हसद हसद में फर्क होता है। हाँ ऐसा हसद होना चाहिए। सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, अबू बकर का कि सारी उम्मत की मोहब्बत आका जिन का एक तरफ, अकेले इसकी मोहब्बत मेरे साथ है एक तरफ। बहुत बड़ी बात। जो देखो पिया पिया, जो देखो पिया पिया को करो पिया पिया ही सबूत। हदीस से भी थोड़ा दे दें तो अच्छा है जी। सहाबा से पूछा क्या पसंद है, हर एक ने कुछ ना कुछ बताया। जिब्रील ने कहा पानी का सदका करूं पसंद है। हजरत अली ने कहा कि सख्त गर्मी में रोज़ा रखूं, मेहमान नवाजी करूं, अल्लाह के जिहाद करूं। ऐसे औरों से पूछा, अबू बकर से पूछा तुम बताओ। कहा आपके पास बैठा रहूं, आपको देखता रहूं, और जो मेरे पास माल है आप पर खर्च होता रहे, करूं पिया पिया सारी बातें आका पर, आपके पास बैठा रहूं, आपको देखता रहूं, और जो माल हो आप पे खर्च करता रहूं, पिया ही पिया। सहाबा को बताया आका जी ने कि मेरा सबका मामले से मैं फर्क नहीं रखता हूं, मैं सबसे एक मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जैसी अबू बकर करता है ऐसे तुम नहीं करते हो। तुमको ख्याल ना आए कि तुम्हारे दिल में आए कि अबू बकर से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे कम करते हैं। मैं सबसे करना चाहता हूँ अबू बकर जैसा, लेकिन अबू बकर जैसे कोई मोहब्बत भी तो मेरे साथ करे। उनका सबूत उनको पेश किया कैसे, आकर तो बाहर बाजार ज़रूरत नहीं थी, कहा किसके पास कुछ हो तो कुछ मुझे ज़रूरत है, कुछ ला कुछ ले आए जो उसकी मर्जी है। सर साहबा कुछ ना कुछ ले आए। हजरत उमर आधा माल कार में ले जाऊंगा, आज अबू बकर आगे नहीं निकलेगा। उधर गए थे अबू बकर सारा घर साफ करके आए हुए थे, बाप के कुछ पैसे पड़े थे वो भी उठा लिए, उसकी जगह पत्थर रख दिए नाबीना से, वो समझे कि पड़े हुए हैं। तो बाबा उधर आए तो हैरान हो गए हजरत उमर, देखा कि कमीज में एक खजूर के कांटे से सी हुई है, और नबी करीम के पास सब कुछ ले आया। और नबी करीम पूछें घर में क्या रखा है, क्योंकि नबी करीम का तेरा पर तेरा हक है, तेरे औलाद का हक है, अपना हक है सिखाया था। तो आपने ऐसा अच्छा जवाब दिया कि घर में आज सब कुछ है। कैसे कहा, घर में क्या रखा है, घर सब कुछ ले आयो। कहा तरकतुल्लाह व रसूल, घर में अल्लाह मौजूद है, आप मौजूद है क्या। जहाँ खुदा हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, वहाँ कोई चीज़ की कमी होती है। ऐसा जवाब दे, हजरत उमर देख के हैरान हो गए। ये देखा पिया पिया ही है, घर घर में भी पिया पिया, सामने भी पिया पिया, और तवाफ करते थे आगे पीछे पिया ही पिया 24 घंटे। जब साथ चलते थे तो कभी पीछे चलते थे, फिर कभी दाएं कभी बाएं, कभी सामने चलते थे। तो आका जी ने कहा एक तरफ होकर चलो, क्या करते हो। कहा कहीं से आपको तकलीफ ना आ जाए इसलिए आगे पीछे फिरता, मुझे आ जाए तकलीफ आपको ना आए। पीछे एक दफा कहा कहीं गुजर शायद हो, मैं तुमको साथ रहूं, शायद गुजर हो, शायद मेरा गुजर हो, मैं तुम्हें साथ रहूं। आका जी ने कहा तो इत्तेफाक ऐसे हो गया आका जी को, उधर से गुजरे तो दरवाजा खटखटाया, फौरन अबू बकर सामने।
तो आका ने बज़ाहिर पूछा कि इंसान दरवाज़ा खटखटाता है तो देर लगती है, कोई उठता है पूछता है, एक दो मिनट चार मिनट लगते हैं, ये एकदम से दरवाज़ा ठक किया तो खुशाम में आपने क्या, कैसे दरवाज़ा जल्दी खोल दिया। कहा जिस दिन से आपने कहा ना मेरा गुजर होगा उस दिन से रोज शाम से सुबह तक इंतजार करता हूँ शायद आप आए। सोचा उस दिन से मैं सोया नहीं, मैं सोता नहीं हूँ, हर रोज शाम से बैठा रहता हूँ सुबह तक, शायद आ जाए आ जाए, पिया पिया खुदा के हम भी ऐसे हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो देखो पिया पिया जा देखो पिया पिया को इंसान वजीफे न छोड़े, आका की मोहब्बत के मामले न छोड़े अल्लाह रसूल के, ये चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती इंसान में, पढ़ते नहीं ना, कभी वजीफे पढ़े तो कभी छोड़े, कभी नमाज जमात से पढ़ी कभी कज़ा की, ऐसी करनी चाहिए। हाँ तो कहाँ उसमें असर आए, आका क्या अल्लाह को वो अमल पसंद है जिसमें नागा ना हो, ये नागे करने, दिल से न पढ़ना, बेवक़्त नमाज पढ़नी, कज़ा करनी या कज़ा को वापस न करनी, जमात को अहमियत नहीं देनी, क्या ये बताओ कहाँ से वो असर पैदा हो। इन चीज़ों में आदमी लग जाए तो असर पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये जो हम नैतखानी करते हैं इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। हाँ इससे इंसान क्या जाम ऐसे नहीं हैं, आप है अम्मा आप है मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन इससे एहसास पैदा होता है, खुदा कर यह एहसास हकीकत बन जाए इंसान। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदाबाद। हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, आप इसका जवाब दें। चलो मैं आपको फिर कहता हूँ अंदर से बाहर से नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, आप क्या कहते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, आका जी कहते थे आपस में सलाम करो मोहब्बत पैदा होती है, हम चाहते हैं वही नुस्खा अच्छा जो आका जी ने बताया है, उससे बड़ा नुस्खा नहीं है। तो मैं फिर आपको कहता हूँ अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू, आप क्या कहते हैं।